हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग का ढेर सारा स्वागत है और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ अनबॉक्सिंग से। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि क्या अनबॉक्स करने वाली हूँ। पता नहीं क्या गिर गया। तो बाल इतना टूट रहा है ना कि कुछ कहना नहीं है। तो ये देखिए, अभी मैंने अनबॉक्स नहीं किया है। तो ये मैंने मीशो से प्रोडक्ट मंगाया है। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है और लाइव में चेकिंग भी हो जाएगा कि सही है कि नहीं। तो ये आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छा है यार। तो मैंने ये मीशो से मैंने साड़ी ऑर्डर किया था जो 426 के ऐसे कुछ करके साड़ी का प्राइस था। मुझे कलर पसंद आया तो मैंने सोचा कि लाओ मंगा लेते हैं, अच्छा होगा। तो मेरा ये है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट मंगाती हूँ, अच्छा लगा तो मैं रख लेती हूँ, नहीं अच्छा लगा तो रखने से कोई मतलब है नहीं, फालतू का पैसा वेस्ट होता है। तो मैं रिटर्न कर देती हूँ तो मेरा पैसा वापस आ जाता है। तो चलिए मैं देखती हूँ कि अच्छा आया है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं बता रही हूँ, कसम से कह रही हूँ ना, इतना सुंदर और इतना मतलब आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी, आप लोग जाके एक बार विजिट करना। मतलब यार अनबिलीवेबल प्राइस में, मतलब मैंने सोचा था कि हाँ आएगा ऐसा कुछ। आपके सामने मैंने अनबॉक्स भी किया है, आप लोग देखे हो। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। मतलब अनबिलीवेबल चीज़ आया है, इतना सुंदर आया है। मैं बता रही हूँ, मैं बताई ना कि मेरे को जो अच्छा लगता है मैं रखती हूँ, नहीं तो वापस करती हूँ। इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, ये नीचे बॉर्डर है और ये है साड़ी, और कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। पिंक में मेरे पास ये कलर था नहीं, तो मैंने सोचा कि डेली वेयर के लिए मंगाती हूँ, देखती हूँ। तो मैं साड़ी ज़्यादा नहीं मंगाती, साड़ी कभी भी नहीं मंगाती ज़्यादा। मंगाई भी हूँ तो रिटर्न कर दी हूँ, मेरे को अच्छा ही नहीं लगा है। मैं बताती हूँ, ये साड़ी मैं रखने वाली हूँ और बहुत ही सुंदर ये साड़ी है। तो आप लोग अगर आप मंगाना चाहो तो एक बार ज़रूर विजिट करना मीशो पे। अनबिलीवेबल प्राइस में, बहुत ही सस्ते प्राइस में, 450 में इतना अच्छा, मतलब ये मेरे को लगा नहीं था कि 700-800 से कम की साड़ी अगर ऐसे लेने जाओ मार्केट में तो मिलेगी नहीं। 700-800 कहीं नहीं गया है। अभी मैं बता रही हूँ, मैं ख़रीदती हूँ साड़ियाँ, मैं साड़ियाँ तो दुकान से ही ख़रीदती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ मैंने ख़रीदा है। तो इसलिए मुझे पता है कि ये साड़ी 700-800 से कम की नहीं है, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। जो क्वालिटी है ना एकदम ऐसे, और जो एक जॉर्जेट होता है टेरी काट वाला जॉर्जेट मोटा सा, वो वाला नहीं है, एकदम ही नरम इसका कपड़ा है। और उसमें ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट, इसका बॉर्डर भी है बहुत सॉफ्ट। तो दोस्तों मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एकदम व्यू इसका पास से दिखाती हूँ कैसा है। अभी ये इसका टूटा भी नहीं है और मैं फाइनली इसको रखने वाली हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये जूम करके मैंने दिखाया है कैमरे में, इसका कपड़ा भी आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ही सॉफ्ट है। ये वो वाला जॉर्जेट नहीं है या तो टेरिकाट नहीं है, बहुत सॉफ्ट वाला जो सिफॉन टाइप का कपड़ा होता है ना, उस टाइप का इसका है, बहुत ही हल्का है। तो यकीन मानिए क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। इसकी बूटी जो है ना, बूटी बूटी करके फ्लावर बना है, बहुत ही सुंदर है और ये भी सुंदर है। तो जो डेली वेयर के लिए, क्या हम कहें, ये कहीं पहन के आने जाने वाली भी साड़ी है। आप लोग अगर मंगाना चाहो तो प्लीज़ ट्रस्ट मेरे ऊपर करके आप लोग मंगाना। मेरे को कोई मीशो से कोई मेरे को पैसा नहीं मिलता है, या ना ही कोई प्रचार करने का कोई चीज़ मिलता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग चाहो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग मंगा सकते हो। हम आ गए हैं फिर से और मैं साड़ी पहन के आई हूँ। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ साड़ी का, तो इसलिए मीशो का तो साड़ी आपने देख लिया। आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके और उसको मंगा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। और आज मैं फिर दिखाने वाली हूँ अभी इसके बाद, मीशो की साड़ी के बाद, ऑर्गेंजा कलेक्शन। तो मेरे पास कितना ऑर्गेंजा कलेक्शन है, क्योंकि अभी ट्रेंड में बहुत चल रहा है ऑर्गेंजा, तो मैं वही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ, अभी देर नहीं कर ली। देखिए ये मेरा ऑर्गेंजा कलेक्शन है, ये सिंपल में है, ये भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, सिंपल में है।
और ये सब साड़ियाँ मैंने करवा चौथ से लेके अभी छठ तक दी ली थी, तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ आपको फर्स्ट कलेक्शन जो मैंने अभी जो करवा चौथ पे मैंने लिया था ऑर्गेंजा का, बहुत ही अच्छा, मतलब अभी ट्रेंड में इतना चला है ऑर्गेंजा ना कि बाकी जाओ अगर साड़ी खरीदने तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेंजा दिखाएंगे लोग, और भी साड़ियाँ दिखाएंगे लेकिन आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि हाँ लें कि ना लें, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये देखिए मेरा वीडियो आप लोगों ने करवा चौथ वाला देखा होगा, तो ये मैंने साड़ी लिया था बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गेंजा का। ये मेहंदी कलर का है तो बहुत ही अच्छा है, और इसमें एक चीज़ है ना कि इसमें जो ये इसका ये बूटी बूटी करके है तो इसके अंदर ना ये ऐसे इसको पहनने के बाद आपको ना इचिंग नहीं होगा। बहुत से ऐसे ना साड़ियाँ होती हैं जिसको पहनने के बाद इचिंग होने लगता है, जो मतलब गोल्डन उसका वो रहता है वर्क रहता है तो पीछे से उसका उभड़ा हुआ रहता है तो वो चुभता है। तो इस साड़ियों में मैं साड़ी भी लेती हूँ तो ये देख के लेती हूँ कि चुभने वाली है कि नहीं। पहनो और इन्जॉय ना करो, सारा दिमाग आपका ये रहे कि चुभ रहा है खुजली कर रहा है, और लोग इन्जॉय करते हैं आप इन्जॉय ही ना कर पाओ साड़ी पहन के, तो साड़ी लेने से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑर्गेंजा की मेरी फर्स्ट साड़ी है, इसको मैंने लिया था हाँ करवा चौथ पे, सॉरी। तो ये मेरा है पहला कलेक्शन, और ये है दूसरा कलेक्शन जो कि मैंने छठ पे लिया था। आप छठ का ब्लॉग देखोगे तो ये दिखेगा मेरे मैं पहनी हूँ। तो ये है पैरेट ग्रीन, तो इसका भी लुक बहुत ही अच्छा, एकदम मतलब जबरदस्त वाला ऑर्गेंजा है ये, और मेरे को एक बार में ही नजर आ मतलब अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। इसका जो ये है ये भी नहीं चुभने वाला है, ये जो ये धागा है ना अंदर से, तो ये चुभने वाले मेरी जितनी भी साड़ियाँ चुभने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरा दूसरा कलेक्शन है, तो आप लोग बताना मेरा साड़ी कैसा लगा ऑर्गेंजा का, ये पैरेट ग्रीन है, और आप लोग मेरे ब्लॉग में भी जाके देख लेना अगर जो लोग देखना चाहे तो छठ वाले ब्लॉग में। तो ये मेरा दूसरा, ये सुबह ये शाम को मैंने पहना था शाम के अर्घ में, और दूसरा कलेक्शन है ये भी ऑर्गेंजा का है। ये कलर किसको नहीं पसंद आएगा ये बताइए, ये कलर एक नज़र में पसंद आने वाला है, ऐसे दिखाते हैं। और इसका भी ना ये रेशम की कढ़ाई है, पूरी रेशम की कढ़ाई है, गोल्डन या सिल्वर वाला नहीं है, पूरी रेशम की कढ़ाई है। तो ये बहुत ही सुंदर मेरी ऑर्गेंजा कलेक्शन वाली साड़ी, तो ये भी बहुत सुंदर है, ये शाम को मैंने अर्घ में पहना था। और एक साड़ी है ये भी ऑर्गेंजा की है, लेकिन ये ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, बहुत हल्की है डेली वेयर पहनने के लिए। तो ये मेरे को दिखा था, ये पूजा के लिए मैं साड़ी खरीदने गई थी, मतलब छठ में ही चढ़ाने के लिए, तो उसमें मेरे को दिखा था तो ये मैंने ले लिया था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जैसे हल्का है, आप ससुराल में जा रहे हो तो मैं तो ज़्यादा साड़ी ससुराल में भी नहीं पहनती हूँ, सूट ही पहनती हूँ, कोई अलाउ नहीं है कि आप साड़ी ही पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, सूट साड़ी नाइटी जो भी पहनना चाहो, लेकिन अब हम रोज़ डेली तो साड़ी पहनते ही हैं घर पर, तो ससुराल अगर 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए जाएं तो क्या हर्ज है साड़ी पहनने में, अच्छा भी लगता है कि थोड़ा सा दुल्हन वाला रूप खुद को अच्छा लगता है, और मतलब पतिदेव को भी अच्छा लगता है, घर वालों को भी अच्छा लगता है। और ये है, ये मेरा तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी, और चाहे जैसी भी है ये साड़ी मेरे लिए सबसे प्रिय है, और ये जब ऑर्गेंजा का भी ट्रेंड नहीं चला था ना ये तब की साड़ी है। तो ये देखने में तो सिंपल आपको लगती होगी, एकदम सिंपल है और बहुत ही हल्की है, लेकिन अभी ट्रेंड नहीं चला था ऑर्गेंजा का तब की है, ये 3 साल पहले की साड़ी है, ये मेरी दादी ने दिया था, मैं जब गई थी, अभी फिर से हो सकता है जाने वाली हूँ तो मैं जाती हूँ, तो मेरे को मायके से तो मिलता ही है हर लड़कियों को, तो ये मेरी अम्मा, मतलब हम अम्मा कहते हैं अपने दादी को, तो ये मेरी अम्मा ने मुझे दिया था। तो ये चाहे जैसे भी है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर ये मेरे लिए है, तो इसको मैं पहनती नहीं हूँ, बचा बचा के रखती हूँ कि ये मेरी अम्मा का दिया हुआ है। दी तो बहुत सारी हैं साड़ियाँ, लेकिन वो अपनी पसंद से अपने सिलाई में बिल्कुल भी नहीं गई थी, तो मेरे को ये बहुत प्रिय है, बहुत सस्ती है। तो मेरी साड़ी कलेक्शन ये फिलहाल ऑर्गेंजा कलेक्शन मैंने दिखाया है, साड़ी तो बहुत सारी है, एकदम 2 अलमारी में सूटकेस है, बहुत साड़ियाँ भरी हैं, लेकिन ऑर्गेंजा कलेक्शन जो अभी ट्रेंड में चला है वो मैंने आपको दिखाया है। तो ऑर्गेंजा में आजकल ट्रेंड ये चला है कि ऑर्गेंजा में जो कढ़ाई होती है ना गोल्डन और सिल्वर की चुभने लगती है, तो ये ध्यान में रख के अगर आप लोग लेना चाहो तो ज़रूर ले सकते हो। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर, और कमेंट भी करना, और अपनी इस बहन को फुल सपोर्ट करना क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो रेड वाला बटन प्लीज़ नए नए जुड़ रहे हैं तो दबा के ही जाइएगा, और
अपना बेहद ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।